माय किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बचे हुए बिस्कुट से बर्फी। उसके लिए मैंने ये बिस्कुट लिए हैं, जो घर से घी, दूध और देसी खांड देकर बनवाए हुए हैं, बाजार से खरीदे हुए नहीं है। आधा किलो दूध लिया है, एक कटोरी मलाई भी ली है। अब हम बिस्कुटों का चूरा बना लेंगे मिक्सी से या हाथ। बिस्कुटों को मैंने पीस लिया है, मैंने मैसर के साथ चूरा बनाया है। अब इस तरह से आसानी से चूरा बन सकता है मैसर से, आप मिक्सी में भी कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत टुकड़ा रह भी जाए तो कोई बात नहीं है, ये दूध में जाते ही पिघल जाएगा। कढ़ाई ली है, अब इसमें दूध डाल देंगे और दूध को गाढ़ा होने तक चलाते रहेंगे। अब डालेंगे मलाई, इस तरह से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। दूध में उफान आ गया है, अगर निकलने लगे तो आप स्लो आंच कर दीजिए। साइड से इस तरह से उतारते रहना साथ ही साथ दूध को। दूध गाढ़ा होने लगा है और हमने जो मलाई डाली थी साथ में उससे भी घी बन चुका है, घी ऊपर आ गया देखिए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे दूध के हिसाब से, बिस्कुटों में तो मीठा है ही। आधा कटोरी मीठा डालेंगे चीनी और इसको पिघलने देंगे। दूध गाढ़ा होने लगा है और चीनी भी पिघल चुकी है। अब हम डालेंगे बिस्कुटों का चूरा। चलाते रहना है, अच्छे से गाढ़ा होने तक चलाते रहेंगे। चलो आंच कर लेंगे। ये देखिए बिस्कुटों का और दूध का घोल गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी की भी डालेंगे। बर्फी बनाने के लिए मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। अब हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने ये थाली ली है। अब इसको घी लगाएंगे चारों तरफ, जितनी थाली में पेस्ट आएगा उतनी में ही लगाएंगे। घी लगा लिया है, फैला देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट भी डालेंगे ऊपर से। किशमिश,
और इस तरह से दबा देंगे। ठंडा होने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे और फिर बर्फी काटेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं फ्रीज में रखे हुए, अब हम बर्फी काटेंगे। बर्फी बनकर तैयार हैं।